हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली मस्ती पे। जय श्री राम फ्रेंड्स, आज हम जम्मू आए हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट करने से पहले हम श्री राम जी के मंदिर श्री रघुनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। माता वैष्णो देवी श्री राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी शुरुआत रघुनाथ मंदिर से ही करें। फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट करवाई थी, और उनके आगे जो संत थे, पुत्र थे महाराजा रणवीर सिंह, उन्होंने 1857 में इसका जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट हुआ है मंदिर का, तो लगभग 200 साल ये मंदिर पुराना है। फ्रेंड्स, इस मंदिर में गर्भगृह में हम दर्शन करते हैं राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी के। इस मंदिर के प्रांगण में जो है तीन तरफ से जो मंदिर है उसमें तीन तरफ से सोने की परत चढ़ी हुई है। आगे जब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए, यहाँ पे 33 कोटि, जिसे हम 33 करोड़ बोलते हैं, देवी देवताओं की पिंडी रूप में स्थापित हैं। और आगे यहाँ पे हम जब चलते हैं 12,25,000 शालिग्राम भी यहाँ पे स्थापित हैं। बाहर से जब हम इस मंदिर का दृश्य देखते हैं तो ये 5 कलश के रूप में स्थापित है। ऐसे देखने में लगता है कि 5 कलश हैं इसमें। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं 2002 में इस मंदिर पे टेररिस्ट अटैक भी हो चुका है। इसको देखते हुए 11 साल ये मंदिर बंद रहा, और 2013 में श्रद्धालुओं की काफ़ी डिमांड पे, काफ़ी रिक्वेस्ट पे ये मंदिर को 2013 में दोबारा खोला गया है। ये मंदिर बहुत भव्य है, ज़रूर दर्शन करने के लिए आइए जब भी आप यहाँ पे आएँ जम्मू में। और यहाँ पे जम्मू में दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा मंदिर है ये। आप बने रहिए हमारे चैनल दिल्ली मस्ती के साथ। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर। फ्रेंड्स, हमने एक पपीता की पत्ता लिया है, थोड़ा फ्रूट्स लेते हुए चलना चाहिए, गर्मी का टाइम है, डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, आप भी लीजिए। यहाँ पे जो है माता रानी को झूला झुलाया जाता है, और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो लोग आके यहाँ पे झूला भी चढ़ाते हैं माता रानी को। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताऊँगी, माता वैष्णो देवी की यात्रा जब हम करते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तीन पिंडियाँ हैं। वो तीन पिंडियाँ किन किन की हैं? माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की। तो माता वैष्णो देवी की पिंडी कहाँ है? कभी ये क्वेश्चन नहीं आया आपके मन में? माता वैष्णो देवी की जो पिंडी है वो कोल कंडोली में स्थापित है, यहीं पे माँ प्रकट हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, हम आए हैं माता कोल कंडोली दर्शन के लिए। जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया, माता कोल कंडोली का जो दर्शन है उसे प्रथम दर्शन कहा जाता है माँ वैष्णो देवी की यात्रा से पहले। माँ वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर 5 पड़ाव पड़ते हैं। सबसे पहले बाणगंगा, फिर हमें मिलते हैं चरण पादुका, फिर हम आगे चलते हैं तो अर्धकुंवारी, फिर उससे आगे हम बढ़ते हैं तो माता का स्वयं भवन मिलता है हमें। माता रानी के भवन से होते हुए हम चलते हैं तो हम पहुंचते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला दर्शन जो है उसे कोल कंडोली को कहा गया है? कोल कंडोली को क्यों कहा गया है, क्या अर्थ है कोल कंडोली का, कहाँ पर है ये कोल कंडोली, क्या, इन सारे सवालों का उत्तर जानना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए? चलिए अब हम इसका आपको आंसर्स देते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि कोल कंडोली है क्या। कोल कंडोली का अर्थ है कोल, कोल मतलब कटोरा। यहाँ पे माता ने कटोरा घिस के जल प्रकट किया था। कटोरा कौन सा था? चांदी के कटोरे को घिस के जल प्रकट किया था। अब बात आती है कंडोली, कंडोली का क्या अर्थ है? कंडोली का अर्थ है कोड़ियाँ। यहाँ पर माता रानी 5 वर्ष की आयु में प्रकट हुई थी और 12 वर्ष की आयु तक रही थी। अब कन्या अवस्था है तो क्या खेलेंगी नहीं माता रानी? तो माता रानी यहाँ पे अपने यहाँ की जो स्थानीय कन्याएं हैं उनके साथ कौड़ियाँ खेला करती थी। यहाँ पे माता रानी ने 12 वर्ष की आयु के बाद कई यज्ञ और हवन करवाए और साथ ही साथ भंडारे भी लगवाए। यहाँ पर माता रानी स्वयं पिंडी रूप में माँ वैष्णो देवी, माता रानी नहीं, माँ वैष्णो देवी यहाँ पर स्वयं पिंडी रूप में स्थापित हैं। माना जाता है जब माता रानी प्रसन्न होती हैं तो उनका पिंडी का आकार बढ़ जाता है, और जब माँ क्रोधित होती हैं तो पिंडी का आकार छोटा हो जाता है। इससे ही कई लोक कथाएं यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। ये जो जिला है, ये जो स्थान है, ये नगरोटा ज़िले में स्थापित है। अब नगरोटा कहाँ पे है, कैसे पहुँचा जाए यहाँ पर? नगरोटा जो है जम्मू से 15 किलोमीटर दूर रहता है। आप कटरा से भी यहाँ आ सकते हैं, लगभग 35 किलोमीटर के आसपास रहता है कटरा से। नगरोटा जो है एक आर्मी एरिया है, इसके लिए आपको एक स्पेशल परमिशन लगती है यहाँ आने के लिए। यहाँ पे हमने देखा एक कुआं है। अब कुएं की क्या कहानी है, क्या कुआं है, क्यों है भाई यहाँ पे कुआं,
यहाँ पे माता रानी ने कुएं में जो कटोरा है चांदी का उसको घिस के जल प्रकट किया था। अब श्रद्धालुओं हैं, हमें भी भैया जल पीना है, हमें भी अपना चित्त शुद्ध करना है, नहीं करना, शांत करना है, नहीं करना। इसके लिए श्रद्धालुओं ने यहाँ पे कुआं बना दिया जहाँ पे माता रानी ने कटोरा घिस के जल निकाला था। फ्रेंड्स, अब ये मंदिर बन कैसे गया, कहाँ से आ गया ये मंदिर, किसने बनाया, ये जानना ज़रूरी नहीं है क्या? अब हम ये जानते हैं। ये मंदिर का निर्माण सिर्फ एक रात्रि में हुआ है, इतना भव्य मंदिर है ये, और एक रात्रि में निर्माण कौन कर सकता है? 5 पांडवों ने। फ्रेंड्स, आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे मंदिर, इस मंदिर का निर्माण जो है 5 पांडवों द्वारा किया गया है। अब 5 पांडवों ने निर्माण क्यों किया, क्यों आए वो यहाँ पे? माता कुंती जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बच्चों के वनवास को लेके, पांडवों के वनवास को लेके, कि अज्ञात वनवास चल रहा है, दुर्योधन बहुत परेशानियाँ समस्याएं खड़ी कर रहा है कि वो किसी तरीके से पकड़े जाएं, उनका अज्ञातवास खंडित हो जाए, भंग हो जाए, ताकि उन्हें दोबारा से वनवास पे, 12 वर्ष के वनवास पे जाना पड़े। दुर्योधन बहुत सारी अड़चने खड़ी करता जा रहा था उनके मार्ग में, पांडवों के मार्ग में। तो माता कुंती जो है, हर माता अपने बच्चों को लेके चिंतित रहती है, नहीं रहती है, ऐसे ही माता जो है कुंती वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। उन्होंने माता कोलकंडोली से प्रार्थना की कि हे माता रानी, मेरे बच्चों का अज्ञातवास जो है वो बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। तो माता रानी ने उनके स्वप्न में आके कहा, मेरा मंदिर का निर्माण करवाइए यहाँ पे स्थान पे, तो आपके बच्चों का जो अज्ञातवास है वो सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, और अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो फिर 5 पांडव इस जगह पे आते हैं, इस मंदिर का निर्माण करते हैं, एक रात्रि में निर्माण करते हैं इस मंदिर का। वो एक रात्रि जो है ना फ्रेंड्स, वो 6 माह के बराबर है, मतलब 6 महीने के बराबर वो एक रात्रि होती है। अब देखिए कैसे कैसे पत्थर लगे हुए हैं इस मंदिर में, जो पत्थर यहाँ पे आसपास हमें देखने को कहीं नहीं मिल रहे, किसी के घर में, काफ़ी पुराने घर भी हैं यहाँ पे, किसी के घर में ऐसा पत्थर नहीं लगा हुआ। जय माता दी। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव देवा माई की तरफ। फ्रेंड्स, ये याद रखिए, जब भी आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा करें, प्रथम पड़ाव अपना रखिए कोलकंडोली, और माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है कमल का पुष्प, कमल का पुष्प चढ़ाइए, माता को चुन्नी चढ़ाइए, माता को श्रृंगार चढ़ाइए, प्रसाद नारियल वगैरह भी बाहर सारा मिलता है, आपकी जो श्रद्धा हो, जैसी श्रद्धा हो, उस हिसाब से माता रानी को प्रसाद चढ़ाइए। आइए चलते हैं आप देवा माई के लिए। जय माता दी। फ्रेंड्स, प्रथम दर्शन कोलकंडोली, दूजा दर्शन कहाँ, देवा माई। अब हम आ गए हैं देवा माई के दर्शनों के लिए। फ्रेंड्स, अब देवा माई मंदिर क्यों बना, कैसे बना, इसका इतिहास नहीं जानना चाहेंगे क्या? ज़रूर जानना चाहेंगे। अब हम आपको बताते हैं देवा माई का मंदिर यहाँ पे क्यों बना, कैसे बना। ये जो मंदिर है, आप सभी जानते, फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं बाबा श्रीधर को, जो जिन्होंने माता वैष्णो देवी की भक्ति की, और माता वैष्णो देवी ने सबसे प्रथम दर्शन जो है बाबा श्रीधर को दिए। उनकी जो चौथी पीढ़ी आई बाबा श्यामी दास, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, वो काफ़ी परेशान रहे इस वजह से, फिर वो यहाँ पे आ गए, जहाँ पे आप देख रहे हैं देवा माई का मंदिर है। यहाँ पे आकर उन्होंने तपस्या की, माता ने सप्तमी के दिन कंजक रूप में उन्हें यहाँ दर्शन दिए। 110 साल तक माता कंजक रूप में यही रही, और सप्तमी के दिन ही माता ने चोला त्यागा था। आइए अब दर्शन करते हैं माता के। जब हम थोड़ा जानते हैं पंडित जी से प्रॉपर इस मंदिर का इतिहास। ये सामने देवा माई है, ये वैष्णो देवी का कन्या रूप है, ये यहाँ पे कन्या रूप में प्रकट हुए थे। 110 साल तक यहाँ पे ये माता कन्या रूप में रहे थे, इसी जगह से प्रकट हुए थे और यहीं पे समा गए थे। ये वैष्णो देवी का ही रूप है, जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए, यहाँ पे आके दर्शन कर लें, उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। जैसे आपने कोई वैष्णो देवी में मन्नत मांगी होगी, नहीं जा सको वहाँ पर चढ़ाने के लिए, यहाँ पर आके चढ़ा दोगे, स्वीकार हो जाएगी। ये कलयुग का प्रसिद्ध स्थान है, किसी की मुराद किसी जगह ना पूरी होगी, इधर करोगे तो आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। यहाँ पर माता ने श्यामीदास जी को दर्शन दिए थे, श्रीधर जी की चौथी पीढ़ी थी।
वो यहाँ पे तपस्या किया करते थे। 12 साल 9 महीने तक उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। यहाँ से रोज़ वैष्णो देवी जाया करते थे। 12 साल 9 महीने के बाद फिर माता ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए कि जो लोग मेरे ऊपर भवन पे नहीं जा सकेंगे दर्शन करने के लिए, यहाँ पे आके दर्शन करेंगे, उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। जैसे आप कोई वैष्णो देवी में मानता मांगते हैं नहीं जा सकते वहाँ पर चढ़ाने के लिए, यहाँ पर आके चढ़ा दोगे स्वीकार हो जाएगी। ये कलयुग का प्रसिद्ध स्थान है। किसी की मुराद किसी जगह ना पूरी होगी, इधर करोगे तो आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। आगे लक्ष्मी जी हैं और जो साथ में दुर्गा जी हैं। तो इस मंदिर का जो स्थान है देवा माई, वो क्यों रखा गया? जब ये कन्या रूप में प्रकट हुए थे, शामीदास जी को दर्शन दिए थे जब, फिर उन्होंने इनका नाम कन्या रूप में रखा था, देवा माई। अच्छा, शामीदास जी ने नाम रखा इनका। श्रीधर जी की चौथी पीढ़ी थी। हाँ। वो शामीदास जी, उन्होंने रखा था। अच्छा, श्रीधर जी की जो चौथी पीढ़ी थी शामीदास जी, उन्होंने कन्या रूप को जो नाम दिया वो देवा माई दिया। अच्छा, ये जो जगह है, जैसे कभी आना हो कटवा से, कैसे बोला जाए? देवा माई का मंदिर तो हर कोई जानता ही है वैसे, लेकिन अगर कोई जगह का नाम पता लगे तो नुमाई में। नुमाई में, जी जी, नुमाई में ये पड़ता है मंदिर। ये जो मूर्ति है, ये खुद से स्थापित हुई है या मतलब किसने स्थापित हुई है? अपने आप प्रकट हुई है। जब माता जी यहाँ से समा गई थी, फिर उधर से मूर्ति निकली। अच्छा, पिंडी रूप में। ये पिंडी रूप में, ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं सामने, ये जो मूर्ति है, ये पिंडी रूप में जो माता जी ने समाधि ली है, जैसे मैंने आपको बताया 110 वर्ष के बाद, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये पिंडी रूप में माता रानी यहाँ पे समा गई। तो ऐसा माना जा सकता है कि माता रानी आज भी यहाँ पे विराजमान है और इस पिंडी रूप में हमें दर्शन देती हैं। जिनकी झोली कहीं नहीं भरती, वो यहाँ पर झोलियाँ भी भरती हैं लोगों की। आप यहाँ आएँ, दर्शन कीजिए, अपनी मुरादें पूरी करवाएँ। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, प्रथम दर्शन किए हमने, अब हमने सेकंड दर्शन किए देवा माई के। अब हम चलते हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, जो कि 5 पड़ाव आप सभी जानते हैं। चलिए आइए। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं 900 साल पुराना भूमिका मंदिर। ये श्रीधर जी का घर भी है, आइए दर्शन करते हैं। इसे यहाँ पे कटरा में पहला पड़ाव भी कहा जाता है। आइए। जय माता दी। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं भूमिका मंदिर। थोड़ा जो इतिहास मुझे पता था, थोड़ा पंडित जी से जानते हैं, ताकि पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। जय माता दी। जय भूमिका मंदिर है, प्राचीन मंदिर, 900 साल पुराना। इस मंदिर में पंडित श्रीधर जी अपनी साधना भक्ति तपस्या करते थे और इसी कुटिया के अंदर 1.25 लाख आदमियों को माता रानी ने भोजन कराया था। जितने भी लोग आते गए और ये कमरा बड़ा होता गया था, और इसी मंदिर से भैरव बाबा ने माता रानी का पीछा किया था। भंडारे में मांस मदरा वगैरह मांगा था माता से, तो माता कहने लगी जी कि गरीब ब्राह्मण घर का प्रसाद है, यही आपको वैष्णो भंडारा मिलेगा। तो भैरव बाबा ने माता रानी की बात नहीं माना था। जैसे उन्होंने माता रानी का हाथ पकड़ा, तो माता जहाँ से अंतर्ध्यान होकर चले गए थे, जहाँ से माता बाण गंगा गई, फिर चरण पादुका में, फिर 9 महीने अधकुमारी में रही गर्भजून में, फिर दरबार जाके भैरव बाबा जी का वध किया था। और ये जो बायां हाथ वाली जो माता है, ये सबसे प्राचीन माता है। श्रीधर जी के हाथों से इनकी स्थापना पूजा भक्ति हुआ है, और इसी जगह से माता रानी की सारी कहानी शुरू हुई है। बोलो सच्चे दरबार की जय। फ्रेंड्स, आप देखिए, ये बाएं हाथ वाली जो पंडित जी ने बताया, ये माता रानी है, ये श्रीधर जी ने यहाँ पे स्थापित की है, इनकी ही वो पूजा करते थे, और इन्हीं की पूजा से प्रसन्न होकर यहाँ पे माता रानी ने दर्शन दिए। भंडारे के दौरान बताया जाता है कि, जैसे पंडित जी ने भी आपको बताया, भैरव बाबा ने मांस का डिमांड की कि मुझे मांस खाना है, मदिरा दीजिए, शराब दीजिए। तो माता रानी ने बोला कि वैष्णो भंडारे में आपको ये कहाँ से दिया जाए? तो कहने लगे नहीं, मुझे यही चाहिए। और फिर माता रानी यहाँ से आगे, जैसे हम जाते हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, आगे की ओर प्रस्थान कर गई बाण गंगा की ओर। फिर भैरव बाबा उनके पीछा करते करते आदकवारी तक माता रानी ने, जैसे कि पंडित जी ने बताया, 9 महीने तक वहाँ पे गर्भ जून में तपस्या की, और फिर आगे माता रानी भवन तक गई, वहाँ पे भैरव बाबा का वध किया, और जो शीश है बाबा का, वो ऊपर भैरव बाबा के लिए, यहाँ के जहाँ पे हम भैरव बाबा के मंदिर जाते हैं, वहाँ जाके गिरा। चलो, साचे दरबार की जय। अब हम चलेंगे आगे वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। फ्रेंड्स, देखिए,
ये पंडित श्रीधर जी हैं, ये उनकी धर्मपत्नी सुलोचना जी हैं, ये इनका मंदिर है। इन्होंने ही माता की घोर तपस्या की, इस कदर तक तपस्या की कि ये मरने की शैया तक पहुंच गए। माता रानी ने इतनी कड़ी परीक्षा ली है इनकी, उसके बाद इनको दर्शन दिए और फिर वरदान भी दिए कि आपकी ही पीढ़ी जो है आने वाली, वंशज जो हैं, मेरे मंदिर में सेवा करेंगे। आइए दर्शन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आप सब तो जानते ही हैं, माता के दर्शन करके जो भी आता है वो कन्या पूजन ज़रूर करता है, लेकिन आप सब अपनी श्रद्धा अनुसार कन्या पूजन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भूमिका मंदिर में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है जो भी यहाँ कन्या पूजन करता है उसकी मुरादें पूरी होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। जय माता दी। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, जोश बोलो जय माता दी।